अगर आप व्रत में आलू खा खा कर बोर हो चुके हैं तो इस बार व्रत में बनाएं ये चार तरह की बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही डिफरेंट सब्जी। ये चारों ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही हेल्दी है और तुरंत बन के तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। सबसे पहले हम लौकी की सब्जी बनाएंगे, उसके लिए ये आधा किलो लौकी ले लिए हैं, इसे हमने छील के धो लिया है। अब इसे काट लेंगे, थोड़े बड़े बड़े साइज में काटें। लौकी बिल्कुल कच्ची है तो हम इसे बीज से नहीं निकालेंगे, अगर आपकी लौकी पक्की हो तो बीज से बीज निकाल लें। अब इन्हें काट लें। इस तरह लौकी को काट कर अब हम एक टमाटर को भी काट लेंगे, ये मीडियम साइज का टमाटर है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। हम व्रत के लिए कोई भी चीज़ घी में बनाते हैं, अगर आप तेल में बनाते हो तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने पे एक छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम को मीडियम में रखें और अदरक हरी मिर्च को थोड़ा सेक लें दो से चार बार चला के। अब कटे हुए टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी थोड़ा सेक लें। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी डाल के थोड़ा चला के सेक लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से सीख जाएं। मसाले सीख जाने पे अब इसमें हम लौकी डालेंगे, स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे, रॉक सॉल्ट क्योंकि व्रत में हम सेंधा नमक खाते हैं। इसे डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे लौकी को। अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और हाई फ्लेम में एक सीटी लगते ही बंद कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी में बहुत पानी रहता है। एक सीटी लगने पे अब प्रेशर कुकर को पूरी तरह ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे खोलें। ये हमारी लौकी की सब्जी बनके तैयार है। अब हम खीरे की सब्जी बनाएंगे, उसके लिए हमने 250 ग्राम खीरा ले लिया है, इसे भी हमने छील के धो लिया है। अब इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें खीरे को काट के। अब प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करेंगे। घी गर्म होने पे दो सूखी हुई लाल मिर्च को इस तरह दो टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे। हाफ इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह लंबे लंबे काट के डालेंगे। दो से तीन हरी मिर्च को इस तरह काट के डालेंगे। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, इन्हें चलाते हुए थोड़ा सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम में ही रखें। अब इसमें खीरे को डालेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर लें, सेंधा नमक स्वादानुसार, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लें और बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम में एक मिनट तक सेक लें ताकि मसाले अच्छी तरह से सीख जाएं। एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, चीनी ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो डालें वरना न डालें। अब एक चौथाई कप पानी डालेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके एक सीटी हाई फ्लेम में लगा लेंगे, एक सीटी लगते ही गैस को बंद कर देंगे। एक सीटी लगने के बाद प्रेशर कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम खोलेंगे। अब फिर से फ्लेम को ऑन करके, गैस को ऑन करके इसके एक्सेस पानी को पूरी तरह से हम सुखा लेंगे बीच बीच में चलाते हुए। पानी पूरी तरह से सूखने के बाद भी हम मीडियम फ्लेम में इन्हें एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए सेक लेंगे, जब तक कि तेल अच्छी तरह से छोड़ ना जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है, खीरा भी हमारी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इसमें एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसे डाल के मिलाएंगे। व्रत के लिए हमारी खीरे की सब्जी तैयार है। अब हम बनाएंगे पपीते की सब्जी, जिसके लिए कि हमने ये 250 ग्राम पपीता ले लिया है, इसे भी छील के अच्छी तरह से धो लिया है और बीज से भी रगड़ के निकाल दिया है। अब इन्हें इस तरह चार टुकड़ों में काट लेंगे और इस तरह मोटा वाला ग्रेटर लेंगे और उससे पपीते को ग्रेट कर लेंगे। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से पपीता बहुत अच्छा बनके तैयार होता है, ये बिल्कुल खिला खिला रहता है।
देखिए इस तरह मोटा मोटा ग्रेट कर ले। सारे पपीते को इस तरह ग्रेट करके एक बड़ा चम्मच घी गर्म करेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे। घी गर्म होने पे अब कुछ करी पत्ते डालेंगे। दो हरी मिर्च को इस तरह काट के डालेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम में थोड़ा चलाते हुए सेक लेंगे। अब इसमें पपीते को डालेंगे। स्वादानुसार सेंधा नमक डाल के इन्हें मिलाएंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। नमक को मिला के अब ढक के मीडियम फ्लेम में इन्हें सॉफ्ट होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम में पपीते को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दें। पपीता अच्छी तरह से सिक जाने पे अब इसमें एक चौथाई चम्मच गोल मिर्च को हमने कूट के इसमें डालेंगे। एक छोटा चम्मच चीनी, चीनी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें वरना स्किप करें। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हाई में करेंगे, लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में इन्हें थोड़ा सेक ले। ये हमारी पपीते की सब्जी तैयार है। गैस को बंद करें। अब हम बनाएंगे परवल की सब्जी, जिसके लिए कि हमने 250 ग्राम परवल ले लिया है। इसके ऊपर नीचे से काट के अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे चाकू की सहायता से इस तरह रगड़ते हुए छील लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह भी छील सकते हैं या फिर छीलने वाले चाकू से भी पूरी तरह से छिलके को निकाल सकते हैं। इन्हें छील के अब काट लेंगे। इस तरह पतले पतले टुकड़ों में काट लें। बीज अगर पक्के हों तो उसे निकाल दें। इस तरह इन्हें पतले पतले टुकड़ों में काट कर एक प्रेशर कुकर में इन परवल को डालेंगे। इसमें हम कोई छौंकन नहीं लगाएंगे, कोई घी या तेल नहीं डालेंगे। बॉईल करके बनाएंगे। अब इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक डालें। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, दो बड़ा चम्मच पानी, इन्हें डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पे लगते ही इसे हम बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा होने पे इसे खोलें और एक बार इन्हें चला लें। परवल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक बार फिर से हम गैस को ऑन करेंगे। एक चौथाई चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से रख सकते हैं या फिर इसके पानी को भी पूरी तरह से आप सुखा सकते हैं। पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब फ्लेम को बंद करेंगे। ये हमारी व्रत के लिए चार तरह की सब्जी तैयार है।